पंचकुला सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के हाथ बड़ी सफलता लगी है। स्क्वाड ने पंचकुला के मोरनी रोड में स्थित मरीना ब्रेक क्लब में छापेमारी कर मौके में भारी मात्रा में बिना परमिशन की विदेशी शराब बरामद की है। पंचकुला सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि मोरनी रोड पर स्थित मरीना बे क्लब के अंदर बने एक तहखाने में भारी मात्रा में बिना परमिशन के विदेशी शराब है। इसी सूचना पर एक्शन लेकर फ्लाइंग स्क्वाड ने मरीना बे में छापेमारी की, जिसमें विदेशी शराब पकड़ी गई, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। इन्फॉर्मेशन मिली थी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कि मरीना बे जो है चलता है और इसमें आज वो बंद है, लेकिन वहाँ शराब का स्टॉक रखा हुआ है और अगर मौके पर रेड की जाए तो काफ़ी मात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार की अंग्रेजी व विदेशी शराब मिल सकती हैं। जो इस सूचना पर हम एक्साइज इंस्पेक्टर अरविंद जी और लोकल पुलिस को साथ लेकर रेड की है और जो चेकिंग के दौरान काफ़ी हमने भरसक प्रयत्न किया, चेकिंग करते रहे तो यहाँ पर आकर हमने बेसमेंट का ढक्कन नज़र आया, उसमें उसको उठाकर देखा तो अंदर शराब रखी नज़र आई, तो ये काउंट करने पर आपको सामने दिखाई दे रही हैं काउंटर पे भिन्न भिन्न प्रकार के मार्का इंग्लिश अंग्रेजी शराब व बीर शराब बरामद हुई हैं। और परमिट किसी चीज़ का ना तो कोई यहाँ पर मालिक है और ना यहाँ कोई मैनेजर है, ये हमें सिक्योरिटी गार्ड मिला था, इसी ने हमारे को अंदर तलाशी करवाई है और लाइसेंस परमिट इनके पास नहीं है। एक्साइज इंस्पेक्टर खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि हमारा कोई लाइसेंस नहीं लिया इन्होंने, इलीगल रूप से ये शराब रखी हुई है सारी स्टॉक। तो आगे सर इसमें आगे क्या कार्रवाई रहेगी? हाँ, इसमें कार्रवाई अभी लोकल पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन। तो वही मौके पर जांच कर रहे सुरेंद्र कुमार ने बताया है कि क्लब के चार मालिक है और ना ही उन्होंने कोई लाइसेंस लिया है। उन्होंने बताया कि लोकल पुलिस इसकी कार्रवाई करेगी और इन्वेस्टिगेशन वक्त जिनका भी नाम आएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला से उमंग शेरुरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।